नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर अधिकतर कांग्रेस प्रत्याशी जीतकर विधायक बने। साल 1957 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। उसके बाद लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी की लगातार 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। साल 1957 के चुनाव में राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। महेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी मंगल सिंह को हराया था। साल 1962 के विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा था। प्रताप सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और प्रताप सिंह ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह को हराया था। कांग्रेस पार्टी ने लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी। साल 1965 में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दामोदर व्यास को अपना प्रत्याशी बनाया और दामोदर व्यास चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। दामोदर व्यास ने निर्दलीय प्रत्याशी एम सिंह को हराया था। साल 1967 के विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा सीट पर कांग्रेस ने पी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने जीत भी दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी पी सिंह ने संगठा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी एम सिंह को हराया था। साल 1972 में हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रद्युम्न सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया और प्रद्युम्न सिंह चुनाव जीते। प्रद्युम्न सिंह ने भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी महेंद्र सिंह को हराया था। और इसी तरह साल 1962 से लेकर 1972 तक लगातार 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। साल 1977 में प्रद्युम्न सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की थी। प्रद्युम्न सिंह ने जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन प्रकाश को हराकर विधानसभा में अपनी सीट निश्चित की थी। और इसके बाद साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर प्रद्युम्न सिंह ने चुनाव लड़कर जीत की हैट्रिक लगाते हुए जीत दर्ज की और जनता पार्टी सेक्युलर के प्रत्याशी मोहन प्रकाश को हराया था। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर लोक दल ने मोहन प्रकाश को टिकट दिया था। मोहन प्रकाश ने जीत दर्ज की और राजाखेड़ा विधानसभा सीट 1985 में लोक दल के खाते में जुड़ गई थी। मोहन प्रकाश ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह को हराया था। साल 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर से प्रद्युम्न सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और प्रद्युम्न सिंह ने जीत हासिल की और विधानसभा में पहुंचे थे। साल 1990 के विधानसभा चुनाव में प्रद्युम्न सिंह ने जनता दल के मोहन प्रकाश को हराया था और साल 1993 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मनोरमा कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह को हराकर विधानसभा पहुंची थी। साल 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रद्युम्न सिंह को ही अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। वो प्रद्युम्न सिंह ने लगातार दोनों बार जीत दर्ज की और राजाखेड़ा की सीट को कांग्रेस की झोली में डाला। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रद्युम्न सिंह ने सपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह को हराया था और साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र सिंह बोहरा को मैदान में उतारा। रविंद्र सिंह बोहरा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह को हराया और भाजपा के रविंद्र सिंह जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह को बनाया और प्रद्युम्न सिंह ने जीत दर्ज की थी। प्रद्युम्न सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक सिंह बोहरा को हराया था। और इसके साथ ही साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भरतपुर संभाग से लगभग सफाया हो गया था। संभाग की 19 विधानसभा सीट में से कुल एक सीट धौलपुर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीती थी और वो भी अब कांग्रेस के समर्थन में है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रोहित बोहरा को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और रोहित बोहरा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक शर्मा को हराकर विधानसभा में सीट निश्चित की थी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों का फोकस है। दोनों पार्टियां साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग को फतेह करने के लिए जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसका साथ देती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।